अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। कराची स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। लाहौर स्टूडियो से इस ट्रांसमिशन का रहमत सहर का आगाज़ होता है और अल्लाह के बाबरकत नाम से हुआ करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक है। सैयदुल अय्याम है, दिनों का सरदार है। और आज के दिन के हवाले से उलमा हज़रात फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने की बड़ी अहमियत है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वज़ाइफ़ के साथ चौथाई हिस्सा अगर दुरूद पढ़ लिया करूँ तो कैसा है? मेरे और आपके करीम आका फरमाते हैं कि अगर इससे ज़्यादा पढ़ लिया करो तो बेहतर है। आप अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर मैं निसफ हिस्सा दुरूद पढ़ लूँ और बकिया वज़ाइफ़ पढ़ लिया करूँ तो कैसा है? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर आप अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर मैं इससे और ज़्यादा दुरूद पढ़ लूँ और बकिया औरादो वज़ाइफ़ पढ़ लूँ तो फिर सरकार ने फरमाया बेहतर है, ज़्यादा पढ़ लो। फिर आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं सिर्फ दुरूद ही पढ़ूँ तो कैसा है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उबई बिन काब, अगर तुम इस तरह करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम रंजो गम को मिटा देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदि व अला आलि सैयदिना व मौलाना मुहम्मदि व बारिक वसल्लम। आज जुमतुल मुबारक है, दुरूद शरीफ से हमने आगाज़ किया है। आप जानते हैं कि मुकाबला हुस्ने नात से आगाज़ किया जाता है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात को यहाँ मदऊ किया जाता है और बहुत बड़ा माशाल्लाह एक सिलसिला है ये कि जिसमें पहले ऑडिशंस हुए, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे तलबा और तलबात और उन्होंने रात के इस पहर में परफॉर्म किया, माशाल्लाह नाते पेश की और उनमें से जो सबसे बेहतर था बच्चा, वो तालिब इल्म या तालिबा जो है वो अगले मरहले के लिए उनको मुंतखब किया गया। आज एक बार फिर हमारे दरमियान एक ऐसी मुख्तदर शख्सियात मौजूद है कि दुनिया नात में जिनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है और मैं समझता हूँ कि ये लिविंग लेजेंड मौजूद है हमारे साथ, कि जो माशाल्लाह वो सितारे नात के कि जिनकी जगमगाहट जो है वो कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा आलमी शोहरत याफ्ता नात गो नात खां नात रिसर्चर जनाब अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा आलमी शोहरत याफ्ता नात खां और ARYQ TV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तो तीनों का खैर मकदम है और आपकी इजाज़त से मुकाबला है हुस्ने नात का आगाज़ कर रहे हैं और आपकी तवज्जोहात के साथ, चूँकि नाज़रीन की तवज्जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन मुकाबलों की तरफ और पूरी ट्रांसमिशन की तरफ है, सबसे पहले मैं स्पॉन्सर्स की जानिब बढ़ता हूँ। कैश प्राइजेज कर्टेसी बाय सोहेल शम्स, स्टार मार्केटिंग, मोहसिन फूड्स, गुलशन एमआर, और गिफ्ट कर्टेसी में फूड बस्ती, GFS बिल्डर्स, सैलानी मसाला जात, पिज़्ज़ा पॉइंट, आबिद गारमेंट्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और उसके साथ हमारे साथ ताउन किया है मरहबा हिमानी, पॉपुलर ग्रुप, Q&N फ्लेवर्स एंड रिफ्लेंट शूज़ की जानिब से ताउन है। आइए मुकाबला है उसने नात का आगाज़ कर रहे हैं। पहले कंटेस्टेंट का नाम है हाफिज काशान अहमद अशरफी। तशरीफ़ लाएँ, आपका ताल्लुक गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से है, तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नज़र करें। बिस्मिल्लाह। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए बेक़रार हम भी हैं, निगाह लुत्फ के हमारे दर तमन्ना की लाज भी
शहर यार हम भी हैं, निगाह लुत्फ के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश कर रहे थे, तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है, तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरे राह गुजार हम भी हैं, पड़े हुए जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अगले जो कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है मोहम्मद साहिल रज़ा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज से आपका ताल्लुक है, मोहम्मद साहिल रज़ा। बिस्मिल्लाह। आपका सदका है दुनिया जिंदगी है, आप से सदका दुनिया जिंदगी है, आप से वुसअत कोनो मकाम में रोशनी है, आप से आपका सदका है दुनिया, आपने रोशन किए हैं आदमियत के चरा, आपने रोशन वकार आदमी है, आप से हर जमाने में वकार आदमी है, माशाल्लाह आपका सदका है दुनिया। क्या बात है, सुभानअल्लाह, आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, सुभानअल्लाह। आखिरी कंटेस्टेंट जो 13वें राउंड की आखिरी कंटेस्टेंट है उनको मैं बुला रहा हूँ, अनामता अहमद, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज से आपका ताल्लुक है, तशरीफ लाएं और बारगाह खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नजर करें। अनामता अहमद। गुलजीदा
किस मुंह से बयां हूं तेरे औसाफ़ بارگاہِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انامتا احمد اپنی عقیدتیں سرکار کی بارگاہ میں حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کیا. انہوں نے خدا کی بات بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے, خدا کی بات بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے, محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے, محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے, انہیں روحوں کو ذہنوں کو دلوں کو فتح کرنا تھا, انہیں روحوں کو ذہنوں کو دلوں کو فتح کرنا تھا, وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے, وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے, نہ تھی محدود اپنے بات تک, نہ تھی محدود اپنے بات تک پیغمبری ان کی, نہ تھی محدود اپنے بات تک پیغمبری ان کی, ازل سے تا ابد وہ حکمرانی کرنے آئے تھے, ازل سے تا ابد وہ حکمرانی کرنے آئے تھے. اس طور پر آج کا یہ 13th راؤنڈ جو ہے مکمل ہوا اور ہمارے ججز ماشاءاللہ موجود ہیں. میں چاہوں گا الحاج محمد عامر فیاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں نے اس رات کے اس پہر میں جو اپنی عقیدت نظر کی ہیں آپ کے کیا الفاظ ان کے لیے. آج ایک اچھا مقابلہ سننے کو ملا اور تینوں بچوں نے اپنی جگہ بہت اچھا پڑھا اور باقی کے نمبر دے دیے ہیں تو نمبروں پہ انحصار ہے کہ کون پہلے نمبر پہ آئے گا کون دوسرے نمبر پہ. بڑی سادگی سے عامر بھائی کہہ دیتے ہیں نمبر دے دیے لیکن سنتے اتنا توجہ کے ساتھ ہیں کہ شاید ہی ایک لفظ اصل میں پڑھا ہوا بچہ موجود ہے اور میں اپنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. میں تینوں کو دیکھتا ہوں کہ جہاں صدیق بھائی اور جہاں صحیح بھائی جیسی شخصیات ہوں وہ میرے لیے باعث فخر ان کے ساتھ بیٹھنا. میں آپ کی توجہات تو مجھ سے زیادہ تو ان بچوں کے لیے باعث, جب میرے لیے باعث فخر ہے تو ان کے لیے تو مجھ سے زیادہ باعث فخر ہے. اور اتنی اعلیٰ شخصیات اور ان سے میری محبتیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ہماری اکیڈمی ہے الحمدللہ. یہ دونوں حضرات جو ہیں ہماری اکیڈمی, یہ تینوں ہی حضرات ماشاءاللہ جس توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ان کی توجہات کو سلام. ہم الحاج سید
सबीउद्दीन सभी रहमानी साहब से भी जानना चाहेंगे। और इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करूँ मैं कि आज ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा जनाब मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, तो कुछ अल्फाज उनके लिए भी और इन बच्चों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म चिश्ती अलैह रहमा का नाम पाकिस्तान में उफ़क़े नात पर सबसे ज़्यादा ताबा नाम है, इसलिए कि उन्होंने नातखानी के सफ़र का आगाज़ जो है, जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो रेडियो पर यहाँ से बहजाद लखनवी और लाहौर से आज़म चिश्ती की नातें गूंजा कर दी। उन आज़म साहब बहुत अच्छे शायर भी थे, बहुत और बहुत बाकमाल नातें उन्होंने लिखी, लेकिन जो उनकी पढ़त का अंदाज़ था, मुझे सबसे ज़्यादा हसीन बात उनके यहाँ ये लगती है कि वो जितना जानते थे उन्होंने अपने पढ़ने को उतना ही सादा रखा। वाह वाह वाह। फ़न का इजहार नातखानी में उस हद तक अच्छा लगता है जिस हद तक पैगाम को आगे उसकी तरसील के लिए मदद करना। अच्छी बात की आपने। वाह। से अगर सिर्फ फ़न का इजहार रह जाए तो फिर मकसद पीछे रह जाता है, इसलिए मैं आज़म साहब की पढ़त को बहुत अहमियत देता हूँ। क्या बात। आज बच्चों ने फिर एक मरतबा मुश्किल में डाला है, तीनों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो तीनों को जो आवाज़ें दी हैं बेटा, ये पहला आपका यूँ समझ लीजिए कि पहला कमाल तो आपकी आवाज़ होती है कि अल्लाह ने आपको दिया क्या है, अब है उसे निखारना। तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि तीनों ने अपनी पढ़त में अपने सुरों को जगह पर रखा है, कहीं कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई मुझे। लेकिन सुरों का जगह पर अदा होना ही नातखानी नहीं है, नात की फील भी साथ चलनी चाहिए। अगर आपके जहन में सुर चल रहा है तो आपकी तवज्जो बटी हुई होगी कि मुझे यहाँ ये इस नोट को यहाँ लेना है। उस चक्कर में बाज़ जगह आप उस मिसरे को लंबा करते हैं, उस लफ्ज़ को लंबा करते हैं, क्योंकि हमारे जहनों में कहीं ये होता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं मुकाबले में, ये टेंशन बहुत होती है पढ़ने वाले को कि मैं सही मकाम पर रुकूँ। तो मुझे देख कर बहुत खुशी हुई कि पढ़ा तीनों ने अच्छा है, लेकिन बेटा उस पढ़ने के साथ साथ उन लफ्ज़ों में क्या आ रहा है उस फील को भी अपने अंदर जज्ब करके डिलीवर करना नातखानी का हुस्न है। सिर्फ अच्छा और भरपूर पढ़ देना काफ़ी नहीं, उसमें एक चीज़ तासीर की शमूलियत भी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका इम्पेक्ट आ रहा है आपकी पढ़त में। इतना टेंशन में ना आए कि आप सही, तीनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे आप अंदर से मसरूफ़ हैं कहीं और कलाम के साथ नहीं चल रहे, अटैच नहीं है, धुन के साथ चल रहे हैं। तो बेटा ये तवाज़ुन पैदा करना नातखानी में मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, और आप जैसे बासलाहियत लोग ये कर सकते हैं। लेकिन आज का मुकाबला, मैं आज मुझे कोई और मसला नहीं नज़र आया सिवाय इसके कि हर आदमी बहुत ज़्यादा मोहताज चल रहा था और उस बहुत ज़्यादा मोहताज होने में, हालांकि सबके गले में अपनी अपनी जगह है बेटा। ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि अल्लाह ने हर किसी को एक अलग जगह से नवाजा हुआ है और गले की सतह पर वो इसका इजहार करके दिखा रहा है। आपको बहुत मुबारक हो, आपके वालदैन को मुबारक हो, ऐसी अल्लाह ने आप पर फजल किया ऐसा कि आप आगे चल के तीनों माशाल्लाह अब भी बेहतरीन सनाखा हैं, आगे और मुस्तकबिल ताबनाक है आप इंशाल्लाह। अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब क्या कहिएगा, कीमती कलमात हमारे तीनों बच्चों के लिए। जो अभी कहा गया माशाल्लाह, मैं सिर्फ माजरत के साथ एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आप अंतरा उठाते हैं तो आप ये सोच कर उठाएँ कि आप अपनी सांस को वहाँ तक ले सकते हैं या नहीं, या अंतरा उठाते हुए दरमियान में आपकी सांस टूट जाती है, वरना आपके तीनों के कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज शबे जुमा है, आपकी आवाज तो वहाँ पहुँच गई हो। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहा आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो मैंने तो उनकी साथ बैठ के कितने अजीम सनाखा, जिन्हें हस्सान पाकिस्तान कहा जाता था, बाबा नात कहा जाता था, बाबा नात कहा जाता था, जब वो इब्तदा करते थे। ये जो हमारे यहाँ पढ़ने वालों में एक जो एक ये रिवाज है ना, ये आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक अंदाज था, और खुद बहुत बड़े नात गो शायर। क्या बात, क्या बात। छोड़ आया हूँ दिलो जान कहकर आज़म, ये कहकर आज़म, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मदीने में रहे, तो सलाम हो उनको, अल्लाह उनके दर्जात को। बहुत अच्छे अंदाज में हमारे सीनियर्स ने, लिविंग लेजेंड है माशाल्लाह, और इन्होंने देखा है उन शख्सियात को, उनके साथ पढ़ी है नाते, तो इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा।
जनाब मुकाबला हुस्न नात का 13वां राउंड मुकम्मल हुआ और उस 13वें राउंड का रिजल्ट मेरे पास मौजूद है जो कि मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स की जानिब आ जाते हैं। कैश प्राइजेस कर्टिसी में है सोहेल शम साहब की जानिब से, स्टार मार्केटिंग की जानिब से और मोहसिन फूड गुलशन मेमार से, और गिफ्ट कर्टिसी में है फूड बस्ती, जीएफएस बिल्डर्स, सैलानी मसाला जात, पिज़्ज़ा पॉइंट, आबिद गारमेंट की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है मरहबा, हिमानी, पॉपुलर ग्रुप, क्यू एन एंड फ्लेवर्स और रिफ्लेंट शूज़ की जानिब से। और अब मैं रिजल्ट की जानिब आ रहा हूँ। रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आज तीनों ने मुकाबला किया और पहले नंबर पर आने वाले खुशनसीब का नाम है मोहम्मद साहिल रज़ा, गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, आपको बहुत मुबारक हो। और दूसरे नंबर पर हैं हाफिज़ काशान अहमद अशरफी और तीसरे नंबर पर अनमता अहमद। बहुत अच्छी तीनों ने कारकर्दगी पेश की और मैं अब गुजारिश करूँगा अलहा से सभीउद्दीन सभी रहमानी साहब से कि अपनी अकीदत नज़र करें। अब कहाँ जाऊँ तड़ते दिल की ये ख्वाहिश निकाल, अब कहाँ जा तड़पे दिल की ये ख्वाहिश निकाल, ए मदीने की ज़मीन मेरी भी गुंजाइश निकाल। मदीना मुनव्वरा के बराह रास्त मनाजिर भी देख रहे हैं और नाते भी सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह अला सिद्दीक इस्माइल साहब, अभी पहले भाई ने फ़ोन पे बात कराई हाजी रफीक नूरानी साहब से, वो फरमा रहे कि मैं इस वक्त मदीने पाक में हूँ और हम रोज़ाना उनकी दुआ सुनते हैं, तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो सलाम पेश कर दूँ, तो चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। वाले हाना के दिल का उजाला शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान है, सारे महीनों से